सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि बहुत ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट के लोग इलेक्शंस में आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये एक इंश्योर किया जाए कि कैंडिडेट्स की जो पृष्ठभूमि है, आपराधिक पृष्ठभूमि, ये सभी वोटर्स के सामने आए। तो इसलिए कमीशन ने एक ऐप बनाया जिस नो योर कैंडिडेट है, और उसमें हमने कैंडिडेट जो भी आपराधिक छवि के भी थे और बाकी लोग थे सबका उसमें डेटा डाल दिया, और आपराधिक छवि वाले सभी का उसमें नाम पड़ा हुआ है, जिससे सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि आपराधिक छवि के कौन कौन कैंडिडेट हैं। उसके बाद एक वोटर की च्वाइस है कि क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि रफली जो 6,900 कैंडिडेट थे फ्रेम है, और उसमें करीब 1,600 एंड ऑड आर पर्सन फ्रॉम द क्रिमिनल एंटीसीडेंट, तो करीब 25% के लगभग लोगों के पीछे क्रिमिनल एंटीसीडेंट थे, और उससे वोटर्स को ये मालूम पड़ जाएगा कि किस किस के खिलाफ है। तो दिस ऐप हैज बीन वेरी यूजफुल फॉर माई वोटर्स।